पिताश्री लाडो आप इस वक्त यहाँ आइए पिताश्री। सबसे पहले आपके इस लाडो का आपके चरणों में हाथ जोड़ के नमस्कार है, प्रणाम है पिताश्री। लेकिन अगर कोई जरूरी ही कार्य था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता, आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया पिताश्री? बेटी आज ये तुम्हारा धर्म का पिता जो तुमने नमस्कार प्रणाम किया है ये आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, तू सदा सुहागन रहे, तेरी लंबी उम्र हो बेटी। क्या पिताश्री? हाँ। ये क्या कह रहे हो आप, मैं कुछ समझी नहीं हूँ। बेटी आज मेरे कुल की लाज तेरे हाथ में है, आज ये तुम्हारा पिता नहीं एक भिखारी बनकर तेरे द्वारे पे खड़ा है बेटी, झोली फैलाकर भीख मांगने के लिए तेरे द्वारे पर आया है। लाडो इन पूर्वजों की आन बान शान रख लेना और ये मेरे सर का ताज आज तेरे पैरों में रखना चाहता हूँ। लाडो पिताश्री मैं नहीं जानती कि आखिरकार बात क्या है, जो भी बात है मुझे साफ साफ शब्दों में खोल कर बताइए पिताश्री। ये क्या कह रहे हो कि भीख मांगना चाहते हो वो भी मुझसे? ऐसी बात मत करिए पिताश्री। अरे जो भी आपको मांगना है हंसते हंसते मांगिए, आप मुझे बेटी कहते हो एक बेटी के नाते, अगर आप मेरी जान भी मांगोगे तो हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसी छोटी बात मत करिए पिताश्री। उम्मीद तो बेटी कहिए क्या कहना चाहते हो? यही उम्मीद लेकर के आया हूँ, तेरे पाया मैं धरूं ताज से। नहीं पिताश्री नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? तेरे पाया मैं धरूं ताज से, स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जैसी जिंदगानी में जहर मिला मन आया बेटी, भरा हुआ तेरा भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी, तेरी मांग दान पति का कर दे नहीं मांगू दान। लाडो एक भिखारी की चोली में थोड़ी सी भीख डाल दे, तेरी मांगू दान पति का कर दे, तेरे आग झोली व
वर दे मांगू दान पति का कर दे ओ तेरे आग झोली भर दे बस इतना सवाल मेरा तेरे पाया हम दरोदाज से पिताश्री ये आपने क्या कह दिया पिताश्री क्या ये सब कहने से पहले एक बार भी मेरी तरफ ध्यान से नहीं देखा क्या क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा पिताश्री देखिए अपनी इस बेटी की तरफ देखिए पिताश्री अभी तो मेरे हाथों का कंगना भी नहीं खुला और ना ही मेरे हाथों की मेहंदी छूटी है फिर आप इतनी जल्दी मेरे पति को मुझसे कैसे मांग सकते हो पिताश्री अगर आप मेरे पति को मांगने के लिए आए हो तो आप यहाँ से जा सकते हो क्या कहा क्योंकि मैं अपने पति का दान आपको हरगिज नहीं दे सकती पिताश्री हरगिज नहीं दे सकती बेटी अगर तूने इनकार कर दिया तो ये तेरा धर्म का पिता एक प्रतिज्ञा भी करके आया है अगर तूने राजी राजी अपने पति का दान मुझे दे दिया तो वापस चला जाऊंगा संतों का शेर जमाने के लिए अगर बेटी तूने इनकार कर दिया तो तेरी चौखट पे अपना दम तोड़ देगा ये राजा मोरतज लेकिन वचन हार नहीं हो सकता अगर आपको वचन में ही अगर आपको मेरे पति को सिंह की भेंट ही चढ़ाना था तो फिर मुझे इस घर में बेटी बनाकर क्यों लाए पिताश्री क्या एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मैं पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारूंगी मेरी बात सुनिए पिताश्री होया करता हक अपनी औलाद में पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में तो इस दुनिया में जीवन का आधार उसे प्राणपति दुनिया में जीवन का आधार उसे मेरी आन बान कुल की मर्यादा होया करे से जानते जाता आन बान कुल की मर्यादा होया करे सजान से ज्यादा वो जिसी के सारे सहरा तेरे पाया हम धरूं ताज से तेरे पाया मैं धरूं रिह ताज से मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पैरों में पड़ता हूँ जिस तरह भी हो सके मेरी इस खुल की मेरी इस खानदान की लाज रख ले लाडो पिताश्री आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है क्यों और ना ही आपको मुझसे पूछने की जरूरत है कि मेरे पति को दान में देना है या नहीं
क्योंकि मेरा हक तो बाद में है पिताश्री, पहले तो वो आपके बेटे हैं, आपका हक उन पे सबसे ज्यादा बनता है। जो आपको करना है आपकी मर्जी है पिताश्री, मेरी बात सुनिए जरा। कहिए लालो। जन्म दिया है अच्छे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। अरे दान पति का करे के बेटी, अरे दान पति का कर के बेटी, कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूलूं सर पे जो एहसान चढ़ा दे बेटी, तीर धज मेरे तीर धज ने देखाल भी तुम्हें, सिंह की भेंट चढ़ा दे बेटी, तीर धज ने देखाल तुम्हें, सिंह की भेंट चढ़ा। अरे होन हार बलवान बतावे, नामा नसिक पार बसावे, होर हर बलवान बतावे, हेरी नामा नसिक पार बतावे, जो करे तीस का फेरा तेरे पाया हम धरू ताज से, तेरे पिताश्री आप मुझसे बार बार कहते हो कि मैं अपने पति को आपको दे दूं, क्योंकि आपको मेरे पति को दान में देना है। बिल्कुल ठीक है पिताश्री, अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बेटी ये सुहागन का जोड़ा उतार कर एक विधवा का जोड़ा पहन ले, तो मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बेटी अपनी मांग का सिंदूर मिटाकर बिना सिंदूर के जिंदगी गुजारे, तो मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। जाइए पिताश्री जाइए, मैं आपको अपने पति का दान देती हूँ पिताश्री, जाइए। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाना पिताश्री, कि अगर वो संतों का शेर मेरे पति के मांस के भोजन से नहीं झिकेगा, तो एक काम कर देना पिताश्री। कौन सा? आप अपनी इस बेटी को, अपनी इस लाडो को काट कर उस शेर के आगे डाल देना पिताश्री, आपकी बेटी कभी मना नहीं करेगी। लेकिन मैं उस भगवान से दुआ करूंगी कि जैसा जैसा वो हमारे साथ कर रहा है, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि एक माँ का दर्द तो माँ ही जानती है, और एक बेटे का दर्द एक पिता ही जानता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का दर्द वो है पिताश्री जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। जाइए पिताश्री जाइए, मैं अपने पति का दान आपको देती हूँ, मेरी बात सुनिए पिताश्री। बेटी धन हो लालो, धन हो। अपना फर्ज निभाना से, संतो वाला कई रोज का भूखा सिर जिमाना से, मेरे पति ते जो मेरे पति ते नहीं जिकाते मेरा मांस खवाना से, मेरे पति ते नहीं जिकाते मेरा मांस खवाना से, मेरे पति ते नहीं जिकाते मेरा मांस खवाना से। जिसने बेटी जन्म दिया रे, और जिसने बेटी जन्म दिया रे,
फिर छाती कचिप काली बहु आख्या के माँ आंसू लाई इंदर पाल जोड़ी वाला कम ते भारी करे कविताई इंदर पाल जोड़ी वाला कम ते भारी करे कविताई अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया कोई ना भेद किसी ने पाया हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया हाँ कोई ना भेद किसी ने पाया लाज से तेरे पाया मैं धरूं लाज से आज रख दे मेरी लाज से मैं बेटी तू बाप मेरा तेरे पाया मैं धरूं लाज से आज रख दे मेरी लाज से तेरे पाया मैं धरूं लाज